फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग टीचर्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैबुलरी फॉर ऐप। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वोकैबुलरी फॉर ऐप को अपडेट नहीं किया तो अपडेट करना ना भूलें, साथ में प्राइम मेंबरशिप लेना ना भूलें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इंग्लिश सीखने का, इम्प्रूव करने का, आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा ऑफर है। यहाँ पे अर्ली 50,000 स्टूडेंट्स को 999 के अंदर ये प्राइम मेंबरशिप मिल रही है, आप देख सकते हैं, जो कि 40,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, अपनी प्राइम मेंबरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाइए। तो आज का जो अपना पहला वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो वो क्या है, वो है पुडल। पुडल क्या होता है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज ओवरली विलिंग टू ओबे अदर। तो देखिए अनादर, तो देखिए कोई भी किसी बात का अनुपालन जब करता है, उसकी बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है, उसको अपन पुडल कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? कंप्लायंट, ओबीडिएंट, ओके, ड्यूटियस या फिर ट्रैक्टेबल। रैंडम्स होंगे स्टबबॉर्न, अनयील्डिंग या फिर रिकैल्सिट्रेंट। अब देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कंप्लेंट भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टबबॉर्न तो पेपर में नहीं आता है, रिकैल्सिट्रेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो तीन वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एवरी वन कंसिडर्ड हिम एज अ पुडल बट अपॉइंटिंग हिम एज अ टीम मैनेजर अस्टाउंडेड एवरीवन। यानी कि सभी कंसिडर करते हैं कि आगे का पालन करते हैं, लेकिन जब उन्हें टीम मैनेजर अपॉइंट किया गया तो सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अस्टाउंड का मतलब अपन ने कल परसों ही किया था, उसका मतलब होता है आश्चर्य हो जाना। ठीक, देखिए बड़ी आसान है, नूडल कम खाने की वाली बात को बच्चे पुडल नहीं करते हैं। तो देखिए नूडल ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको पता है। तो जब अगर अपन ये बात बच्चों को बोलते हैं तो क्या उनको समझ में आती है? नहीं आती है। क्या वो आगे का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या वो पुडल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो नूडल कम खाने वाली बात को बच्चे पुडल नहीं करते हैं, यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से नूडल और पुडल, इन दोनों को रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि नूडल कम खाने वाली बात को बच्चे पुडल नहीं करते हैं, पुडल यानी कि आज्ञा का पालन करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पीटर अवे। यहाँ पे पीटर के साथ आप अवे भी यूज करिए, तब जाके आपका फ्रेजल वर्ब बनेगा। डिमरिश और फेड अवे, डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड। यानी कि डिमरिश होना, फेड अवे हो जाना, धीरे धीरे कोई भी चीज़ का एंड आना, समाप्त हो जाना, उसको अपन पीटर अवे कहते हैं। सिनोनिम क्या होता है? अबेट, एब, फेड, रिसीड या फिर डिमरिश। और आइटम्स क्या होगा? इनहेंस, इंक्रीज, राइज, डेवलप या फिर ग्रो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एज द टीम लॉस्ट द मैच, एंथुसियाज्म ऑफ द सपोर्टर्स सून पीटर आउट। यानी कि जैसे जैसे टीम मैच हारती गई, जो एंथुसियाज्म था सपोर्टर्स का वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। वह फॉर्म्स क्या होगी? पीटर अवे और पीटर अवे। और ट्रिक क्या होगी? देखिए देख, शुरू में जब हैरी पॉटर मूवीज आई थी तो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज था, लेकिन जैसे जैसे इसके नेक्स्ट आते गए वैसे वैसे इसका क्रेज क्या होता गया? कम होता गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हैरी पॉटर मूवी का क्रेज पीटर अवे हो गया। तो हैरी पॉटर मूवी का जो क्रेज था वो पीटर अवे हो गया। ठीक है, तो पीटर अवे को अपन हैरी पॉटर से लेकर कैसे याद कर सकते हैं कि हैरी पॉटर मूवी का क्रेज पीटर अवे हो गया, यानी कि धीरे धीरे समाप्त हो गया। थर्ड जो वो क्या है, जो फ्रेज है वो देखते हैं, अप टू द हिल्ट। तो फ्रेज है और इसका मतलब क्या होता है? अप टू द हिल्ट का इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट वे। तो कोई भी चीज जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कंप्लीट वे हो, बिल्कुल पूर्णतया कंप्लीट हो, उसको अपन कहते हैं अप टू द हिल्ट। सिनोनिम क्या होंगे? कंप्लीटली, फुली, होली, टोटली, एंटायरली, इन एवरी रेस्पेक्ट। और एडवेंस क्या होंगे? पार्टली या फिर इनएडिक्वेटली। एग्जाम्पल देखते हैं, विद द गवर्नमेंट बोरोइंग अप टू द हिल्ट वी कैन एक्सपेक्ट टैक्स राइजेस। यानी कि विद द गवर्नमेंट बोरोइंग अप टू द हिल्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो बहुत ही कंप्लीट, बिल्कुल ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टैक्स है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रिक देखते हैं इसकी, बड़ी आसान है। इस हिल के अप टू जाने के लिए अप टू द हिल्ट पर्सन होना चाहिए। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि साउथ की सबसे जो ऊँची हिल है अनामुदय हिल, अनामुदय पीक जिसको अपन कहते हैं। तो इस हिल के ऊपर, इस हिल है ना जो, इस हिल के अप टू जाने के लिए आपको अच्छी फिटनेस चाहिए होगी। ठीक है, आपको अच्छा स्टैमिना चाहिए होगा, स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस हिल के अप टू जाने के लिए आपको अप टू द हिल्ट पर्सन होना चाहिए। अप टू द हिल्ट यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जो कि कंप्लीट हो पूरी तरीके से, यानी कि उसका स्टैमिना अच्छा हो, इंड्योरेंस अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो। ठीक है, उसमें ओके, उसने ट्रैकिंग कर रखी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो जो कंप्लीट पर्सन हो, एक ट्रैकर हो कंप्लीट। ओके, तो अप टू द हिल्ट को अपन हिल से लिंक कर सकते हैं कि इस हिल के अप टू जाने के लिए आपको अप टू द हिल्ट पर्सन होना चाहिए। तो अप टू द हिल्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जो कि स्ट्रॉन्ग हो और कंप्लीट हो। नेक्स्ट है हार्डवायर्ड। हार्डवायर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? जेनेटिकली और इनेटली डिटरमाइंड, अंतर्निहित। ओके,
तो कोई भी चीज जो कि किसी के जेनेटिकली इनबिल्ड हो, जेनेटिकली उसके अंदर अच्छी हो, ऑलरेडी फीड हो, तो उसको अपन कहते हैं हार्ड वायर्ड। सिनोनिम क्या होंगे? बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूटिव, एसेंशियल, इनहेरिट, इमिनेंट या फिर इनबॉर्न। और एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सट्रिंसिक। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ह्यूमंस आर हार्ड वायर्ड टू फील गुड व्हेनेवर दे आर अल्ट्रुइस्टिक, यानी कि जो ह्यूमन है वो उनके एक जेनेटिकली ये चीज है कि वो अच्छा फील करते हैं जब भी वो अल्ट्रुइस्टिक होते हैं। ट्रिक देखिए इसका बड़ी आसान है। कुछ लोगों में टैलेंट हार्ड वायर्ड होता है, हार्ड वायर की तरह होते हैं। तो कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, उनमें जो टैलेंट होता है ना वो हार्ड वायर्ड होता है, यानी कि उनके बचपन से ही वो टैलेंट होता है। जैसे कि इस बच्चे को देख सकते हैं आप, ओके, छोटा सा बच्चा है, गिटार लेके अभी से गिटार बजा रहा है, यानी कि हार्ड वायर्ड है, यानी कि बचपन से इसके ये टैलेंट है। ठीक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ओके, तो वो कैसे होते हैं? हार्ड वायर की तरह होते हैं, यानी कि वो उनको कितना ही मोल्ड कर लो वो अपना जो टैलेंट है वो छोड़ते नहीं है, उसको हार्ड वायर्ड, यानी कि वो बहुत ही मजबूत होते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि कुछ लोगों में टैलेंट हार्ड वायर्ड होता है। ओके, कैसा होता है? हार्ड वायर की तरह होता है। हार्ड वायर जैसा मजबूत होता है वैसे ही उनका टैलेंट होता है, ठीक है, जो कि जेनेटिकली इनबिल्ड होता है। अगर कोई स्किल्ड होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो इनबॉर्न होते हैं टैलेंटेड, और एक होता है स्किल्ड। स्किल्ड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो स्किल्ड जो लोग हैं उनका टैलेंट कम हो जाता है, लेकिन जो हार्ड वायर्ड होते हैं उनका टैलेंट हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है हेजेमोनिक। हेजेमोनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रूलिंग और डोमिनेट इन अ पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि रूल करना, डोमिनेट करना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में या फिर सोशल चीजें उनके अंदर, उसको अपन हेजेमोनिक कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, डोमिनेट या फिर रूलिंग। और एंटोनिम्स क्या होंगे? सबऑर्डिनेट या फिर इंफीरियर। और एग्जांपल, व्हेन द डिक्टेटर वाज चेज्ड आउट ऑफ द कंट्री हिज हेजेमोनी ओवर द पीपल केम टू एन एंड, यानी कि जब डिक्टेटर ने चेज्ड आउट किया कंट्री को, ठीक है, व्हेन द डिक्टेटर वाज चेज्ड आउट ऑफ द कंट्री हिज हेजेमोनी ओवर द पीपल केम टू एन, यानी कि जो उसका डोमिनेटिव नेचर था वो लोगों से में क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, जब वो डिक्टेटर चेज्ड आउट हो गया कंट्री से। हेजेमोनी का मतलब क्या? लीडरशिप और डोमिनेंस। और ओरिजिन कहाँ से होगा? ग्रीक वर्ड से ओरिजिन इसका। ट्रिक देखिए बड़ी आसान है। देखिए जैसे कि इंडिया पे से जो बहुत ही एक सेक्रेट प्लेस है हज, सभी को पता होगा इसके बारे में। तो हज पे जब जाते हैं तो सभी को अलाउ होता है, यानी कि एक ड्रॉ सिस्टम होता है। तो वहाँ पे कोई डिमांडिंग अथॉरिटी काम नहीं करती है, हेजेमोनी वहाँ पे काम नहीं करती है। हज पे सभी जाते हैं, यहाँ कुछ लोगों को हेजेमोनी नहीं है। हेजेमोनी नहीं है यानी कि डोमिनेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक पावरफुल लोग हैं या फिर कुछ एक अथॉरिटेटिव हैं, कमांडिंग डोमिनेंट लोग हैं, सिर्फ वही हज पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हज पे सभी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का हेजेमोनिक नहीं है। हेजेमोनिक नहीं है मतलब डोमिनेंस नहीं है। तो अपन हज को हेजेमोनिक से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि हज पे सभी जाते हैं, यहाँ कुछ लोगों का हेजेमोनिक नहीं है। नेक्स्ट है एक्यूसियंस। एक्यूसियंस क्या? एक नाउन है जिसका मतलब है कोई भी काम जो कि रजामंदी से करना, सहमति से करना, ओके, द रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट के बिना किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना उसको एक्यूसियंस कहता है। एक्सेप्टेंस, असेंट, कन्फर्मिटी, सबमिसिवनेस और एंटोनिम्स क्या है? डिसेंट, नॉन कन्फर्मिटी, रिफ्यूजल या फिर डिनाइल। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, सबमिसिव आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, राइट नाउ जॉन पेरेंट्स डू नॉट वॉन्ट टू एनरोल इन एन आर्ट स्कूल बट ही बिलीव दैट दे विल एक्विसेंस इन टाइम, यानी कि राइट नाउ तो जो जॉन के पेरेंट्स है वो उसको एनरोल नहीं करना चाहते आर्ट स्कूल में, लेकिन कुछ टाइम बाद में, लेकिन वो बिलीव करता है कि कुछ टाइम बाद में वो मान जाएंगे। लेटर वर्ब क्या होंगे? एक्विसेंस यानी कि टू एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और वर्ब फॉर्म्स क्या? एक्विसेंस, एक्विसेंस एंड एक्विसेंस। और ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है। ठीक, देखिए कोई भी अक्यूज्ड एक्विसेंस नहीं करता है केस को कोर्ट में। तो देखिए कोई भी अक्यूज होगा ना किसी के ऊपर भी दुनिया में केस लगा लीजिए, ऐसे मेरे ख्याल से बहुत कोई 0.1% होंगे जो कि एक्सेप्ट करेंगे अपना केस। ठीक है, कोई भी अक्यूज जो पर्सन होगा जिसके ऊपर एक्विजिशन लगाया है वो कभी भी एक्यूसेंस नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट केस चलता रहेगा, वो चाहेगा कि केस चलता रहे। तो अक्यूज को अपन एक्यूसेंस से लेकर के इसे याद कर सकते हैं कि कोई भी अक्यूज एक्यूसेंस नहीं करता है केस को कोर्ट में। तो कोई भी अक्यूज क्या नहीं करता है? उसको सहमति नहीं देता है कि हाँ भाई मैंने वो केस चोरी करी है, मैंने वो मर्डर किया है, तो ऐसा कोई भी नहीं करता है। नेक्स्ट है गजल। गजल एक वर्ब है जिसका मतलब क्या? कंज्यूम फास्ट, ईट और ड्रिंक समथिंग ग्रीडिली, घटकना, तेजी से उपयोग में लाकर समाप्त कर देना। तो गजल एक तो अपने जो हिंदी में गजल होती है, गजल शायरी एक तो वो वर्ड होती है। ठीक है, एक जो इंग्लिश में गजल होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेना। ओके, सिनोनिम क्या होंगे? गोपल, डिवोर, वुल्फ, ईट हंग्रीली। और आइटम्स क्या होंगे? सिप, ईट स्लोली। एग्जाम्पल देखते हैं, एज द
Waitresses brought the soda. She guzzled it up before I could stop her. यानी कि जैसे ही वेट्रेस सोडा लेके आई उसने उसको जल्दी से पी लिया जब तक मैं उसको रोकता। वर्ब फॉर्म्स क्या है? गजल गजल कर गजल। और ट्रिक क्या होगी इसकी, देखिए बड़ी आसान होगी। ग्रास को गाय गजल करती है, तो ग्रास को गाय क्या करती है? गजल करती है। तो देखिए गाय को आप क्या करिए, ग्रास दे दीजिए कुछ दिनों के बाद में, ठीक है। पूरा एरिया जो है ना गाय पूरा उसको साफ कर देगी, यानी कि जल्दी जल्दी पूरा खा जाएगी। तो ग्रास को गाय गजल करती है, गजल करती है यानी कि जल्दी जल्दी उसको उपयोग में लेती है। ओके, तो इस तरीके से अपन ग्रास को गजल से लेकर के से याद कर सकते हैं। ओके, ग्रास को गाय गजल करती है। नेक्स्ट है एग ऑन। एग ऑन क्या है? फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? कॉज टू एक्ट, टू इंसाइट टू एक्शन, टू स्टिम टू एक्शन और फीलिंग। किसी को उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, किसी को प्रोत्साहित करना, उसको अपन क्या कहते हैं? एग ऑन कहते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उसको उत्तेजित कर देना। सिनोनिम क्या होंगे? एक्साइट, फॉर्मेंट, गॉड, प्रॉड, प्रॉम्प्ट, प्रोपेल, प्रोवोक, स्पर, स्टिमुलेट। ओके, यहाँ पे दीज टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसऑर्ड, डिस्करेज, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिडंट वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग इन पार्टी बट माई फ्रेंड्स एग्ड मी ऑन। यानी कि आई डिडंट वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग इन पार्टी, यानी कि मैं एक भी सॉन्ग गाना नहीं चाहता था पार्टी में, बट माई फ्रेंड्स एग्ड मी ऑन, यानी कि बट मेरे दोस्तों ने क्या किया, उकसा दिया मुझे। ओके, वर्ब फॉर्म्स क्या है? एग ऑन, एग डॉन एंड एग डॉन। और ट्रिक क्या है देखिए, कुछ लोग पैसे देके एग से मारने के लिए एग ऑन करते हैं। तो आपने देखा हुआ कई जगह पर जब प्रोटेस्ट होता है तो कुछ लोग पैसे देके बोलते हैं कि अंडे फेंको किसी के ऊपर। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे देकर एग से मारने के लिए एग ऑन करते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं लोगों को पैसे देके कि भाई आप तो मारो, गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं और एग से एग फेंकवाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कुछ लोग पैसे देके एग से मारने के लिए एग ऑन करते हैं। तो एग से और एग ऑन को अपन लिख करके इसे याद कर सकते हैं। एग से मारने के लिए एग ऑन करते हैं यानी कि प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है एड्रॉइड। एड्रॉइड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या? क्लेवर और स्किलफुल। जो भी बहुत ही क्लेवर पर्सन होगा, स्किलफुल पर्सन होगा, ठीक है, अडैप्ट होगा, डेक्सट्रियस, अजाइल, निम्बल, इंजीनियस, ये सब इसके सिनोनिम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ये तीनों ही, चारों पांचों इनफैक्ट सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंटोनिम्स में क्लमसी इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी बहुत आसान से है। एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज लियोनार्ड इज एड्रॉइट एट मेंटल कैलकुलेशन, ही इज एबल टू अफोर्ड एफर्टलेसली सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम। यानी जो लियोनार्ड है वो बहुत ही स्किलफुल है मेंटल कैलकुलेशन करने में, इसीलिए कोई एफर्ट लगाए बिना ही वो मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। रिलेटेड वर्ड क्या है? एड्रॉइटली यानी कि दक्षतापूर्वक, और एड्रॉइटलेस यानी कि कुशलता। अब देखिए इसके ट्रिक कितनी आसान है। आजकल ऐसा होता है कि लोग एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं, ओके, और लगता है उनको कि एंड्रॉयड मोबाइल लेने से हम एंड्रॉयड हो गए हैं, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड हो गए हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कुछ चीज़ में नॉलेज गेन नहीं करेंगे, तब तक आप एंड्रॉयड नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन लेने से क्या कोई एंड्रॉयड बन जाता है? क्या क्लेवर बन जाता है? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन लेने से एड्रॉइट नहीं हो जाते, यानी कि क्लेवर और इंटेलिजेंट, स्किलफुल नहीं हो जाते। तो एंड्रॉइड और एड्रॉइड, ओके, इन दोनों को अपन लेकर के याद कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन तो आपको बताइए क्या होता है, और एड्रॉइड का मतलब क्या है? स्किलफुल होना, ठीक है। तो एंड्रॉइड फोन लेने से एड्रॉइट नहीं हो जाते। और आज के जो लास्ट वर्ड है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? नाउन है जिसका मतलब क्या है? रिलक्टेंस टू वर्क और मेक एन एफर्ट। तो बहुत ही धीरे धीरे काम करना, आलस्य से काम करना, लेजीनेस से काम करना, उसको अपन स्लॉथ कहते हैं। सिनोनिम भी देखिए कुछ ऐसे ही है, इंडोलेंस, इनएक्टिविटी, स्लैकिशनेस। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए इंडोलेंस इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स भी बहुत आसान है। एग्जांपल क्या होगा? हर ओवरली लैक्स मैनेजरियल स्टाइल हैज रिजल्टेड इन अ स्लॉथफुल एंड अनप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसकी ओवरली लैक्स मैनेज, जो मैनेज करने की स्टाइल थी, उससे क्या हुआ? बहुत ही आलस्य हो गया और अनप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बन गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और स्लॉथफुल का मतलब निष्क्रिय है। ट्रिक देखते हैं, बड़ी आसान है। स्लो स्लो हाथ चलाता है स्लॉथ है। तो जो पर्सन स्लो स्लो काम करेगा वो कैसा होगा? बहुत ही इनएक्टिव होगा, और उसको अपन कहेंगे स्लॉथ। तो जो स्लो स्लो काम करता है वो स्लॉथ होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं, स्लो स्लो हाथ चलाता है स्लॉथ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बहुत ही इंडोलेंस है। ओके, तो ये आज के अपने 10 वोकैब थे। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन का डे में मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था नाक का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनॉइंग। किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, उसको अपन नाक कहते हैं। आज पंकी आपके लिए एक वर्ड है जिसका आपको सिनोनिम बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको कमेंट करके इसका आंसर करना है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स मैच द कॉलम।
ओके, आपको यहाँ पे पॉज करना है और सभी को वापस से रिवाइज करना है। जैसे कि पहला जो अपन ने पूछा था वो था अप टू द हिल्ट। अब इसका आपको देखना है कि कौन से वाले से अपन ने इसको रिलेट किया था। तो इस वाली इमेज से अपन ने इसको रिलेट किया था कि हिल, इस हिल के अप टू जाने के लिए आपको अप टू द हिल्ट होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग और बिल्कुल कंप्लीट। एक्विसेंस, ठीक है, एक्विसेंस को अपन ने कैसा याद किया था, ओके, कि कोई भी एक्यूज एक्विसेंस नहीं करता है अपने केस को लेकर, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्विसेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इजीली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। तीसरा स्लोथ, स्लो स्लो काम हाथ चलाता है, स्लोथ है यानी कि बहुत ही लेजी है, अपन ने यहाँ पर इसको रिलेट किया था। तीसरे का क्या हो जाएगा, लेजी। हार्ड वायर्ड, ओके, जो लोग बचपन से टैलेंटेड होते हैं वो हार्ड वायर्ड होते हैं, हार्ड वायर की तरह, यानी कि कोई भी चीज़ इनबिल्ड होना, ओके, इनबॉर्न होना। पुडल, नूडल खाने के लिए बच्चों को मना करते हैं लेकिन वो पुडल नहीं करते, यानी कि आगे का पालन नहीं करते। ठीक है, हेजेमोनिक, हज पे सभी अलाव होते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों का हेजेमोनिक नहीं है, यानी कि डोमिनेंस नहीं है। गजल, ओके, गाय क्या करती है, ग्रास को गाय गजल करती है, यानी कि जल्दी जल्दी खा लेती है। एग ऑन, कुछ लोग पैसे दे के एग मारने के लिए एग ऑन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उनको एक्साइट करते हैं। पीटर अवे, हैरी पॉटर मूवी धीरे धीरे पीटर अवे हो गई, यानी कि उनका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। एंड्रॉयड, आखिरी वर्ड क्या है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड फोन लेने के से आप एंड्रॉयड नहीं हो जाते, यानी कि स्किलफुल नहीं हो जाते, ओके। और फ्रेंड्स, ट्रिक बनाओ जाने में कल मैंने आपको जॉस्टल वर्ड दिया था, बहुत ही अच्छा वर्ड था, जिसका मतलब है धक्का मारना, धक्का लगना, झटका लगना, ओके। यहाँ पे मोना ने और शोभी जी ने बहुत अच्छे दो ट्रिक भेजी, जैसे कि देखिए, जो सेटल नहीं है लाइफ में उन्हें जॉस्टल करनी पड़ती है, सेटल और जॉस्टल, इस तरीके से इन्होंने इसको लेट किया है। ऑब्वियस बात है, जो सेटल नहीं होगा उसे जॉस्टल करना पड़ेगा, यानी कि धक्का मुक्का करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा है, जॉस्टल लगा हॉस्टल का खाना देखकर, तो जॉस्टल लगा हॉस्टल का खाना देखकर, तो सभी को पता है हॉस्टल में खाना कितना बुरा होता है, तो शोभी जी ने कहा है कि जॉस्टल लगा यानी कि झटका लगा जब हॉस्टल का इतना बुरा खाना देखा, तो जॉस्टल लगा हॉस्टल से लेट करके इन्होंने इसको बताया है। और आज का जो आपको वर्ड है जिसकी ट्रिक बनाने में, स्लूथ, बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में कई बार आता है और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। सेंटेंस फ्रेम में संतोष कुमार जी ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया, 10 वो क्या पूरे इन्होंने यूज करे हैं। उम्मीद है आप भी अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे और सभी अपने साथ में 10 एक पूरे 10 वो क्या यूज करके सेंटेंस फ्रेम करेंगे और कमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए देखने को इतना ही, आपके लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वोकैब 24 और GK 24 डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको वोकैब और GK को स्ट्रॉन्ग कर देगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल।